कैसे आप स्टडीज में कम फोकस और इंटरेस्ट के साथ भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। गाइस, जो स्टडीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टडीज में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है वो हमको पता नहीं है। और जब हम बिना उसका यूज जाने, बिना उसको समझे पढ़ते हैं और याद करते हैं सिर्फ इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कुछ और उसका हमको आंसर लिखना है, और वो आंसर तभी बनेंगे जब हम जो ये पढ़ रहे हैं उसको याद करेंगे या उसको समझेंगे तभी वो आंसर दे पाएंगे। तो अगर आपकी उतनी लिमिटेड सोच है तो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते, आप कम टाइम में स्टडीज में अच्छे नहीं हो सकते। गाइस, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें ये है कि आप टीचर से हमेशा पूछो कि इसका मैं क्या यूज़ करूँगा रियल लाइफ में, या इसका मुझे क्या यूज़ है आगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आपको वो चीज़ दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि आप वो दिमाग से निकलनी ही निकलनी है। क्योंकि आपने एक बार साइकिल चलाना सीखा, आपके दिमाग से निकला नहीं निकला, आप 10 साल साइकिल नहीं भी चलाओगे तब भी 12वें साल में आप साइकिल चला लोगे अगर आपको कोई दे। वो इसलिए क्योंकि आपको उसका यूज़ पता है, आपको उसका क्या है, इधर से उधर जाना है, उसको कैसे चलाना है, ये सब फीड हो जाता है क्योंकि आपको पक्की इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। इसे वैसा ही स्टडीज के साथ है, अगर आप उसका यूज नहीं समझोगे क्यों पढ़ रहे हो, उसका आगे क्या यूज रहेगा, कहाँ कहाँ मैं उसको यूज कर सकता हूँ, क्यों इस सब्जेक्ट को बनाया गया, क्या समझने के लिए बनाया गया, अगर आप उसके बारे में टीचर से बात नहीं करते, और टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे वे में उस चीज़ को बताए ताकि उनके उनको ये पता चले कि अगर वो कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर उनको पता चले कि वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो क्यों उनको बताया जा रहा है, उसका क्या यूज़ है आगे। तो हो सकता है कि कुछ थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है हर चीज़ का प्रैक्टिकल यूज ना बता पाओ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो चीज़ें उनके दिमाग में रहेंगी और वो आगे भी उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। और एजुकेशन का मतलब ही यही है कि जो आप नॉलेज ले रहे हो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप आगे की लाइफ में कर सको, और यही एक नॉलेज को लेने का, यही पढ़ाई करने का उद्देश्य है। तो गाइस, टीचर्स का भी ये मोटिव है कि उनको वो इस वे में समझाए कि सारे सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ रहे हैं उसका यूज़ उनको पता चले, वो कैसे लाइफ में उसको यूज़ करें, वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर हो। और बच्चों का भी ये एक रोल है कि वो टीचर से ऐसे क्वेश्चन पूछें कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या रियल लाइफ में यूज़ है, तभी जाके आप लाइफ में कुछ कर पाओगे और उस नॉलेज का अच्छा यूज़ कर पाओगे। एक प्रॉब्लम उसमें और ये आ रही है कि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने कम टाइम में हर चीज़ को प्रैक्टिकली डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, इसका सोल्यूशन टीचर्स को निकालना होगा, इसका सोल्यूशन वहाँ के प्रिंसिपल्स को निकालना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चाहते हैं इंडिया में, अगर वो चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो आगे चल के अच्छे इंसान बने, कुछ काम करें अच्छा, तो उनको वो नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो कि आप ये समझ समझ के पढ़ो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका क्या यूज़ है, तभी आप स्टडीज़ में अच्छा फोकस कर पाओगे और आपका कम पढ़ने पे भी, एक रात पढ़ने पे भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। सो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो आपके साथ शेयर करना था। और बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे या फिर कमेंट सेक्शन में।